दिल्ली का काला बंदर एक बहुत ही असाधारण प्राणी था जो सन 2001 में मध्य में दिल्ली और इसके आसपास के राज्य में रात्रि के समय प्रकट होता था। मई 2001 के आरंभ में रात्रि के समय एक काले रंग का भयानक प्राणी प्रकट होने की मानव जाति पर हमला कर देता था। इसे देखने वाले इसके बारे में इसकी लंबाई 4 फीट, सारे बदन में काले घने बाल, चेहरा हेलमेट से ढका हुआ धातु के पंजे, लाल आंखें कुछ इस प्रकार बताते थे। इस अजीब से साये को नाम दिया गया था काला बंदर, लेकिन आज तक यह कोई नहीं जान पाया कि वह काला बंदर कैसा दिखता था। पुलिस ने दावा किया था उसने काले बंदर को पकड़ लिया, लेकिन कब और ऐसे कोई नहीं जानता। यह एक साया के रूप में लोगों को नजर आ रहा था। इस बंदर की वजह से 3 लोगों की जान गई थी और कुछ दर्जन भर लोग घायल थे। कुछ लोग बताते हैं कि यह आधा इंसान जैसा था और आधा जानवर जैसा दिखता था। वह कुछ 6 फुट लंबा था और लंबे छलांग भी मारता था। यह काला बंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों पर हमला कर रहा था और कोई नहीं जानता कि यह क्या है। लोग तो ऐसा बोलने लगे थे कि यह पाकिस्तान का भेजा आतंक है। यह काला बंदर छतों के रास्ते आता था और वहां से कूदता हुआ गायब हो जाता था। इसके डर की वजह से कई लोग तो छतों से कूद जाते थे। यह अक्सर उन्हीं गरीब इलाकों में आता था जहां लोग छतों पर सोते थे। 6 फुट लंबा यह काला बंदर लोगों के पैर और कमर को निशाना बना रहा था और रात को सोते हुए लोगों पर हमला करता था। पुलिस ने जो स्केच बनाया था और लोगों ने जो बताया था उसके अंदर काफी मतभेद था। पुलिस के अनुसार वह 5 फीट का था और काला कोट पहनता था, जबकि लोगों के अनुसार उसकी आंखें चमकीली थी और वह हेलमेट भी लगाता था। वैसे काला बंदर को इतना ज्यादा बड़ा बनाने वाला मीडिया भी था जो 24 घंटे काले बंदर की खबरें पेश कर रहा था। मंकी मैन का खौफ दिल्ली के उन इलाकों में था जो गरीब थे और जहां लोग छतों पर सोते थे। इसी डर के कारण लोगों ने छत पर सोना भी बंद कर दिया था। कुछ लोग इसे हिंदू देवताओं का भी रूप बताने लगे थे और लोगों के अनुसार भगवान उन्हीं पर हमला कर रहे थे जो लोग गलत थे और पाप करते थे। आखिर में दिल्ली पुलिस यह दावा करती है कि उसने काले बंदरों को पकड़ लिया और मीडिया के साथ मिलकर लोगों के दिलों में से काले बंदर का डर निकाला जाता था। लेकिन पुलिस की कई स्तर की जांच के बाद यह बात निकल के सामने आई कि मंकी मैन जैसा कोई आदमी या जानवर नहीं है, यह लोगों का महज दिमागी उपज है। मंकी मैन का आतंक दिल्ली में यमुना पार के इलाकों में शुरू हुआ था। उस वक्त इस मामले पर बारीकी से निगाह रखने वाले नई दिल्ली रेंज के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रिटायर आईपीएस सुरेश राय ने एनबीटी को बताया कि हर रोज हमें मंकी मैन द्वारा घायल करने की कॉल मिलती थी। शुरुआत में लगा कि यह मसला 1-2 दिनों में थम जाएगा, लेकिन उस वक्त मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के ना होने के बावजूद यह अफवाह दिल्ली में दिनों दिन आग की तरह फैलती गई। हमारे पास मंकी मैन द्वारा घायल करने की कई कॉल आती थी। उन्होंने बताया, हमने तय किया कि इन सभी का मेडिकल कराया जाएगा ताकि कम से कम हमें यह पता लगे किसी जानवर में काटा है। एक भी केस ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी का जख्म एनिमल बाइट द्वारा दिया गया हो, लेकिन तमाम घायलों को बारीकी से जांच करने के बावजूद हमें एक भी मामले में किसी जानवर के द्वारा पंजा मारने या फिर काटने का कोई सबूत नहीं मिला। हाँ, लक्ष्मी नगर से हमने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। उसने मंकी कैप पहनी हुई थी और पंजा भी मेटल का बनाया हुआ था। वह मानसिक रोगी निकला और लोगों को इस तरह डरा रहा था। उस वक्त दिल्ली के पुलिस के PRO रवि पंवार बताते हैं कि मुझे याद है जब मंकी मैन की अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होने लगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करनी शुरू कर दी। पंवार ने बताया कि चोटी कटने की घटनाओं के सामने आने के बाद उन्हें खुद दिल्ली में मंकी मैन का जमाना याद आ गया जिसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं थी। बस यह लोगों का वहम था और इसी वहम से ऐसे हवा को जन्म दिया कि कितने ही लोग इसे सच मान बैठे, कितने ही लोग अपनी ही परछाई से डर कर छत से गिर गए। इनमें काफी लोग घायल हुए थे और कुछ की मौत भी हुई। जितने भी लोग घायल हुए थे उनमें से क्रास पूछताछ की गई तो कोई भी यह नहीं बता सका कि हाँ उसने अपने सामने मंकी मैन को देखा था। सब यही कहते थे कि उन्हें लगा कि मंकी मैन ने ऊपर से हमला किया था। अगर सामान्य बंदर भी किसी की छत पर आ जा रहा था तो लोग उससे भी मंकी मैन समझकर डर रहे थे, लेकिन जांच पूरी होने के बाद यह महज अफवाह निकला। जैसे कुछ समय पहले चोटी कटवा के नाम से अफवाह निकला था, वैसे ही मंकी मैन भी महज लोगों के दिमाग का एक अफवाह ही है।